Very good morning students. I hope you all are fine and good. I'm also very fine. So today we'll start a new theme in your English book. It is on page number sixty five and your theme name is things I like to do. Means मुझे क्या क्या चीजें मुझे करना पसंद है. उसके बारे में ये आपकी theme है. And your chapter name is कैटा एंड श्लोका. तो चैप्टर का नेम है कैट श्लोका जो कि दो गर्ल हैं उनका नेम है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देर आर सम क्वेश्चन विल डिस्कस दिज क्वेश्चन फर्स्ट देन विल रीड द चैप्टर तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम चैप्टर रीड करेंगे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड आपका सबसे अच्छा पक्का दोस्त कौन है तो आप मुझे बताएंगे कौन है तो वो अभी इस लॉकडाउन में आपके स्कूल में तो फ्रेंड्स है नहीं तो मे बी आपके नेबर में आपके रिलेटिव में या हो सकता है आपके मम्मी पापा आपके बेस्ट फ्रेंड हो है ना तो ऐसे ही मेरे फैमिली मेंबर में तो मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं बट स्कूल में और मैं तो इस टाइम पे भी अपने बेस्ट फ्रेंड से बातें करती थी प्रीति मैम है सो so मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो ऐसे ही आपके कौन बेस्ट फ्रेंड हैं वो आप बताएंगे वट डू यू लाइक अबाउट हिम हर आपको उनके बारे में क्या चीज़ अच्छी लगती है वो बताना है जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है तो उनके बारे में आपको क्या अच्छा लगता है सो so, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं मेरे लिए हमेशा मेरे साथ रहते हैं मैं कभी किसी प्रॉब्लम में हूँ तो वो मुझे उस प्रॉब्लम का सलूशन दे देते हैं तो ऐसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रीति मैम एंड मेरे हस्बैंड वो मुझे हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती है मैं उनके साथ डिस्कस करती हूँ और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मुझे यही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि वो हमेशा मेरा साथ देते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में ठीक है तो वो आप बताएंगे थर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर बेस्ट फ्रेंड तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब होते हैं तो आप क्या करते हैं आप कलरिंग करते होंगे डांसिंग करते होंगे मेरी डॉटर अदिति उसकी बेस्ट फ्रेंड है जब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है तो मोस्टली वो प्ले करते हैं या फिर कलरिंग करते हैं या कार्टून देखते हैं तो ऐसे ही आप क्या करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वो आप शेयर करेंगे नाउ योर चैप्टर स्टार्टस नाउ आई रीड आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है केतन श्लोका केतन श्लोका आर फ्रेंड्स केतन श्लोका जो है वो फ्रेंड्स हैं दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं ईच अदर मतलब एक साथ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारा समय लेट्स रीड देयर कॉन्वर्जेशन चलिए पढ़ते हैं उनकी कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन होती है बातचीत जो आप बात कर रहे थे दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उसको कॉन्वर्जेशन कहते हैं ठीक है केटा टेल मी व्हाट केटा टेल मी व्हाट यू लाइक टू डू तो ये है श्लोका जो कि केटा से पूछ रही है कि तुम्हें क्या करना पसंद है Then, श्लोका बताती है श्लोका नाम लेती है पहले श्लोका आई लाइक टू स्विम इन माई प्रिटी ब्लू एंड येलो स्विम सूट मुझे अपने जो मेरा प्यारा सा स्विम सूट है ब्लू एंड येलो कलर का वो पहन के स्विम करना बहुत अच्छा लगता है मीन्स तैरना अच्छा लगता है देन श्लोका शोका से वाओ आई लाइक टू स्विम टू आई वेयर येलो एंड रेड स्विम सूट वाओ मतलब मुझे भी स्विम टू लिखा है टी डब्ल्यू टू तो इसका मत सॉरी टी डबल ओ टू इसका मतलब होता है भी मतलब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है मुझे भी स्विम करना पसंद है और मैं क्या पहनती हूँ येलो एंड रेड स्विम सूट वट एल्स डू यू लाइक टू डू इसके अलावा एल्स मतलब इसके अलावा और क्या पसंद है तुम्हें केटा पूछती है तो श्लोका कहती है आई लाइक साइकिलिंग विद यू इन द इवनिंग और मुझे साइकिलिंग करना अच्छा लगता है तुम्हारे साथ शाम को केटा मतलब मुझे भी मी टू मीन्स मुझे भी आई लव टू डांस अच्छा ये जो उसने बताया कि मुझे साइकिलिंग करना पसंद है उसके लिए उसने बोला मी टू हाँ मुझे भी पसंद है और उसके अलावा क्या बताया आई लव टू डांस एंड सिंग विद यू और मुझे तुम्हारे साथ डांस करना और गाना गाना बहुत अच्छा लगता है देन श्लोका सेट मी टू मीन्स श्लोका कह रही है कि जो तुम्हें गाना गाना और डांस करना अच्छा लगता है ना वो मुझे भी अच्छा लगता है मुझे भी mm, and I love dancing crayons. और इसके अलावा मुझे डांसिंग क्रियॉन्स भी बहुत पसंद है नाचते हुए मेरे क्रेन्स फिर कीटा कहती है वट आर डांसिंग क्या होता है Then, श्लोका से श्लोका बोलती है माय क्रेन्स डांस ऑन पेपर व्हेन आई होल्ड देम एंड मूव माय हैंड्स टू फिल कलर्स। मतलब जब भी मैं कलर्स अपने हाथ में पकड़ती हूँ तो और अपने हाथों को थोड़ा सा घुमाती हूँ कलर भरने के लिए तो मेरे क्रेउन्स डांस करते हैं तो यहाँ पे डांस करने का मतलब ये नहीं है कि सच में क्रेउन्स उसके डांस करने लगते हैं उसका मतलब ये है कि वो क्रेन्स उसे कलर करना इतना पसंद होता है कि उसके हाथ अपने आप इस तरह से मूव होते हैं कि जैसे कि क्रेन डांस कर रहा हो ठीक है सिर्फ कहने की बात है जैसे हम बोलते हैं ना वो मम्मा इतनी जोर से भूख लगी है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं एक्चुअल में चूहे थोड़े ना दौड़ रहे होते हैं ये तो सिर्फ कहने के लिए होता है कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो इसी तरह से उसके क्रियन्स इस तरह से घूमते हैं कि ऐसा लगता है कि वो डांस करें एक्चुअल में डांस नहीं कर रहे वो उसको कलरिंग इतनी पसंद है कि ऐसा लगता है कि क्रेन डांस कर रहे हैं देन इज से रेनबो तो केटा बताती है देखो ये एक रेनबो है ओ इट इज इट हैज़ सो कलर्स ये मतलब बहुत ब्यूटिफुल है और इसमें कितने सारे कलर्स हैं देन श्लोका कहती है अस ड्रॉ द रेनबो चलो हम रेनबो बनाते हैं देन केटा सेटेस्ट प्ले सम म्यूजिक एंड मेक आर क्रेन्स डांस ऑन पेपर तो क्यों ना थोड़ा म्यूजिक चला देते हैं और हमारे क्रेन्स को डांस करने दें पेपर पे। मतलब म्यूजिक चलाते हैं और हम कलरिंग करते हैं इंजॉय करके ठीक है वी आर बेस्ट फ्रेंड्स वी लाइक टू बी टूगैदर लाइक द कलर्स ऑफ और रेनबो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा साथ में रहते हैं इस तरह से जैसे कि रेनबो के रहते हैं साथ में वो दूर दूर नहीं होते ना वो साथ-साथ रहते हैं तो उसी तरह से हम भी साथ साथ फॉर्म अ पार्टनर नेम योर सेल्फ कैटेंो श्लोका नाउ रीड द डायलॉग्स टूगेदर अब ये एक रोल प्ले की तरह करना है जब आप मम्मा के साथ रीडिंग करेंगे तो कर सकते हैं जैसे एक पर्सन आप बन जाए और एक पर्सन आपकी मम्मा बन जाए तो जो भी लाइंस इसके आगे लिखी हुई हैं श्लोका के आगे तो वो सारी आप रीड करेंगे श्लोका बन के और जो कैटा के आगे लिखी हुई है वो सारी लाइंस आपकी मम्मा रीड कर लेंगी या आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर हैं तो वो करेंगे तो एक तरह से रोल प्ले होगा कि जो वो डायलॉग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आप प्ले करके बोलेंगे कि वो आप वो बन के बोलेंगे ठीक है सेकेंड hmm. क्वेश्चन वट आर दी थिंग्स दे लाइक टू डू टूगेदर ये भी सिर्फ हमारे डिस्कशन के लिए है कि वो कौन कौन सी चीजें एक साथ करना पसंद करते थे यस yes. वो करना पसंद करते थे स्विमिंग साइकिलिंग ड्रॉइंग एंड डांसिंग सिंगिंग है ना ये सारी चीजें वो एक साथ करना पसंद करते थे टिक द करेक्ट ऑप्शन अच्छा नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उन पर आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है फर्स्ट क्वेश्चन इज Keta लाइक टू डू केटा को क्या करना पसंद था केटा लाइक like cycling, केटा लाइक डांसिंग केटा लाइक कलरिंग कलरिंग उसको पसंद नहीं था बट श्लोका को बहुत पसंद था तो केटा ने उसके साथ किया था सो so, लेकिन उसने नहीं कहा था कि मुझे ज्यादा पसंद है करके ठीक है तो अभी हम इसे टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये श्लोका ने कहा था केटा लाइक स्विमिंग स्विमिंग यस उसको भी पसंद थी क्वेश्चन नंबर श्लोका टोल्ड केटा अबाउट हर तो श्लोका ने केटा को किसके बारे में बताया डांसिंग क्रेउन्स के बारे में है ना सो so, डांसिंग क्रेन्स पे टिक करेंगे रेनबो के बारे में तो केटा ने बताया था लेकिन यहाँ पूछा है श्लोका टोल्ड केटा श्लोका ने क्या बताया केटा को थर्ड क्वेश्चन केतन श्लोका ड्रू केतन श्लोका ने क्या ड्रो किया ड्रू मीन्स ड्रॉ होता है ड्रॉ होता है जो अभी बना रहे हैं और ड्रू होता है पास्ट मतलब उन्होंने क्या बनाया तो क्या बनाया उन्होंने एक रेनबो बनाया है ना रेन ड्रॉप क्लाउड इन द स्काई ये नहीं ड्रॉ किया विल नॉट डू दिस एक्सरसाइज उसके बाद यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज है इसको सिर्फ हम रीड करेंगे इसमें हमें कोई वर्क नहीं करना है यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड्स दे रखे हैं तो कौन कौन से एक्शन वर्ड्स है रीड कर लेते हैं जंपिंग किकिंग जंपिंग मीन्स जंप करना किकिंग मीन्स किक करना इस तरह से जैसे ये गर्ल किक कर रही है बॉल को अपने फुट से डिगिंग डिगिंग मीन्स खड्डा खोदना मिट्टी में जिस तरह से ये मैन कर रहा है स्लीपिंग आपको पता है सोना स्वीपिंग सफाई करना इस तरह से झाड़ू लगाना रनिंग मीन्स भागना स्विमिंग तैरना अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कुकिंग मीन्स खाना बनाना तो जंप किक डिग स्लीप स्वीप रन स्विम कुक ये एक्शन वर्ड है आयन चीज पे तब लगता है जब हम कोई काम कर रहे हैं मैं सो रही हूँ आई एम स्लीपिंग मैं कूद रही हूँ आई एम जम्पिंग मैं किक कर रही किकिंग वह गड्ढा खोद रहा है ही इज डिगिंग तो कर रहा है रहा है रहा है रहा है हो रहा है तो रहा में लगता है हमेशा एन जी तब हम जो हमारे एक्शन वर्ड है उसके साथ आई एन जी ऐड कर देते हैं so, सो सिर्फ ये आपको रीड करना है और इसकी तरह आपको और इसके अलावा ये तो वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं इसके अलावा टेन एक्शन वर्ड्स और आपको आपकी नोटबुक में लिखना है हेडिंग डालेंगे एक्शन वर्ड्स और उसके नीचे टेन एक्शन वर्ड्स लिखने हैं सो so, ये आपका वर्क है इस चैप्टर को रीड करना है और इस एक्सरसाइज को करना है यहाँ तक तब तक अगर आपको कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी और कॉल मी टिल देन बाय बाय हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे और डू डेली प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग ओके बाय बाय